दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वान कंपनी भी अब एनसीबी के रडार पर है, जो एक टैलेंट एजेंसी है जिससे सलमान खान भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि अब वो अपनी सफाई देते फिर रहे हैं कि क्वान कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में आपको बता दें कि साल 2019-20 में क्वान कंपनी को सुशांत के अकाउंट की तरफ से 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, और जब इसे लेकर जया साहा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये पैसे इसीलिए लिए गए थे ताकि हम सुशांत को फिल्में दिलवाएं। अब सवाल उठता है कि क्वान कंपनी ने सुशांत को कौन सी फिल्में दिलवाईं, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्वान कंपनी की तरफ से रिया के अकाउंट में 30 लाख ट्रांसफर क्यों किए गए, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्वान कंपनी ने रिया की माँ के अकाउंट में भी पैसे क्यों ट्रांसफर किए। तो ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों। रिया के अकाउंट में 30 लाख ट्रांसफर किए गए और कुछ अमाउंट रिया की माँ के अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत के परिवार ने रिया पर आरोप लगाया था कि रिया एंड गैंग ने सुशांत के 15 करोड़ गबन किए थे, जिसमें से कुछ 3.5 करोड़ का खुलासा तो हो चुका है, जहां पर ये सामने आया था कि रिया ने वो पैसे कई तरह के टूर्स में, अपने भाई शौविक की ट्यूशन फीस में, उसकी अय्याशी में, अपनी खुद की अय्याशी में, यहाँ तक कि अपनी माँ की पार्लर फीस भी सुशांत के पैसों से भरी थी। तो उन सब का हिसाब कुछ 3.5 करोड़ बैठता था, जो हमने आपको बताया भी था। अब सवाल उठता है कि 15 करोड़ में से 3.5 करोड़ का तो हिसाब किसी तरह मिल गया, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? तो अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत के अकाउंट से सीधे 10 करोड़ क्वान कंपनी को ट्रांसफ़र किए गए। और हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में बताया था कि वो रिया ही थी जिसने जो जबरदस्ती करके सुशांत को क्वान कंपनी के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया था। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि क्वान कंपनी ने सुशांत से 10 करोड़ लिए और फिर रिया को 30 लाख दिए, और ये 30 लाख भी एक साथ नहीं बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में रिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसमें से कुछ अमाउंट तो सुशांत के जाने के बाद भी रिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहा है दोस्तों। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो 10 करोड़ सुशांत के अकाउंट से क्वान के अकाउंट में गए हैं वो रिया ने खुद ट्रांसफ़र किए हैं या सुशांत ने किए थे? दोस्तों, अगर आपको याद हो तो सुशांत का इसी साल का जनवरी महीने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी कंसर्न नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो सवाल उठता है कि जो इंसान अपने खर्चों को लेकर इतना सीरियस हो, इतना कंसर्न हो, वो 10-10 करोड़ यूं ही किसी कंपनी को क्यों दे देगा? तो ऐसे में क्वान और रिया दोनों पर ही कड़े सवाल उठते हैं कि क्या क्वान वाकई इतनी बड़ी बड़ी फीस लिया करती है दूसरे सेलेब्स से भी, वो भी काम दिलाए बिना, एडवांस में ही? ये सारे सवाल उठना जायज़ हैं दोस्तों, क्योंकि बिना काम दिए कोई क्यों किसी को 10 करोड़ रुपए दे देगा? तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये कमीशन बेस्ड कंपनी है, जो जाहिर सी बात है कि काम दिलवाने के बाद ही कुछ परसेंटेज में अपनी कमीशन लेती होगी। तो बिना काम दिलाए सुशांत से 10 करोड़ कैसे चार्ज कर लिए गए? तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये 10 करोड़ सुशांत ने अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र किए थे या फिर रिया चुड़ैल ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए क्वान के थ्रू ये काम किया, और इस गबन को लेकर रिया और क्वान की डील हुई होगी कि मैं इस तरह से सुशांत के पैसे क्वान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगी, और इसके लिए तुम लोगों को कुछ कमीशन भी दे दूँगी, ताकि कल को रिया अपनी सफाई पेश कर सके कि उसने सुशांत के अकाउंट से अपने अकाउंट में या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया। इतना ही नहीं दोस्तों, सुशांत के जाने के बाद भी रिया के अकाउंट में क्वान की तरफ से टुकड़ों टुकड़ों में पैसा ट्रांसफर होता रहा है। तो हमें तो यही लगता है दोस्तों कि क्वान के थ्रू ही रिया ने सुशांत के 10 करोड़ का गबन किया है, जो डील के मुताबिक अब तक उसके अकाउंट में धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिया चुड़ैल ने सुशांत के घर में एंट्री करते ही उनके पुराने स्टाफ को बदलना शुरू कर दिया था और अपनी जान पहचान वाले लोगों को लगाना शुरू कर दिया था, ताकि वो सुशांत के साथ बनाए गए अपने प्लान को अंजाम दे सके। इसी के तहत इस चुड़ैल ने सुशांत को क्वान टैलेंट एजेंसी से जुड़ने के लिए कहा था। हालांकि सुशांत इस एजेंसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन रिया के जोर देने पर उन्होंने इस कंपनी से जुड़ने के लिए हामी भर दी। आपको बता दें दोस्तों कि सुशांत जानते थे कि ये एजेंसी सिर्फ टॉप सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े ब्रांड्स को ही प्रमोट करती है, और सुशांत इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं, उनका काम बोलेगा। मगर रिया के ज़िद करने पर उन्होंने इस कंपनी को अपना काम सौंप दिया था, और अब आप जानते हैं कि ये कंपनी एनसीबी के
रडार पर है। तो रिया ने सुशांत की जिंदगी पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। वो जो चाहती थी सुशांत से करवा ही लेती थी, लेकिन आज भी वो अपने सारे पाप सुशांत पर डाल रही है, ये कहते हुए कि वो निर्दोष है और सुशांत ने उसका फायदा उठाया, जिसकी वजह से आज वो उसी के लिए ड्रग डीलिंग करने की वजह से जेल में सड़ रही है। रिया इस मामले में कितना झूठ बोल रही है ये जग जाहिर हो चुका है। खुद इसके ड्रग के कश मारते हुए इसका वीडियो सामने आने के बाद, पार्टियों में नशे में झूमते हुए दिखने के बाद, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इस डैन को कभी भी बेल ना मिले और भाई खला जेल से ये सीधा तिहाड़ जेल पहुंचा दी जाए, जहां इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और जिंदगी भर ये वहीं चक्की पीसती रहे। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। दोस्तों, जब से सुशांत का केस सामने आया है तब से लगातार सलमान खान पर भी कई सवाल उठते रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये अब तक फैंस के आरोप थे। अब तक सलमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, लेकिन आपको बता दें कि अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब सच में सलमान एक आरोपी के तौर पर निकलकर सामने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सलमान के खिलाफ भी सबूत मिलना शुरू हो चुके हैं। बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट, मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं इन बड़े बड़े बॉलीवुड दिग्गजों को इनके औकात दिखाई जाए, इन्हें सबक सिखाया जाए, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में हमारी ताकत बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सलमान खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। बॉलीवुड में बढ़ते हुए ड्रग के खुलासे देख बिना पूछे जैसे सलमान के वकील ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सलमान खान का क्वैन कंपनी से कोई नाता ही नहीं, पर ऐसे कई सारे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे ये प्रूव हो जाता है कि सलमान का इस कंपनी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाता ज़रूर है। सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं सलमान खान के खुद के किए हुए ट्वीट को, जिसमें उन्होंने खुद ही लिखा है अपनी कंपनी यूबीटी को लेकर। आपको बता दें दोस्तों कि सलमान खान की यूबीटी कंपनी ने बाद में बिग बैन मीडिया वेंचर्स के स्टेक या शेयर लिए, जो ओन करता है क्वैन कंपनी। यही नहीं, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं जहां सलमान खान की क्वैन कंपनी में ओनरशिप होने की बात लिखी हुई है, वो भी 2018 में। इसे देख फैंस एक ही सवाल कर रहे हैं कि 2018 में जब उनके लिए क्वैन के ओनरशिप की बात छपी थी तब तो सलमान खान ने कुछ भी नहीं कहा था, पर आज बिना पूछे ही क्यों ऐसा कह रहे हैं, बिना पूछे ही क्यों अपनी सफाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि एनसीबी का क्वैन कंपनी में कहर देखकर पहले ही अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इस खुलासे के बाद अब आप सलमान खान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे ड्रग माफिया में सलमान खान का भी कनेक्शन हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।